हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे फटी पुस्तकों की शिकायत करते हुए पत्र। विद्यार्थियों, आज हम सब व्यावसायिक पत्र में शिकायती पत्र पढ़ेंगे। शिकायती पत्र, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह सिखाया हुआ था कि व्यावसायिक पत्र कैसे करते हैं, कोई वस्तु कैसे मंगवाते हैं। आप जानते हैं व्यावसायिक पत्र वह पत्र जिसमें हम किसी वस्तु की मांग करते हैं अथवा मंगाई गई वस्तु की हम शिकायत करते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। योगेश, योगिता, नायर 205 गांधी चौक अमरावती से व्यवस्थापक हिंदी साहित्य अकादमी शास्त्री नगर आनंद रोड प्रयागराज 03 को वाचनालय के लिए मंगवाई गई पुस्तकों में पुस्तकों के फटी व पुरानी होने पर शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। तो यह हमारा पत्र प्रश्न हो गया और इस प्रश्न के आधार पर अब हम सब लोग पत्र का लेखन करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको याद होगा, मैं बार बार अपने पत्र लेखन के वीडियोस में कहता हूँ कि जहाँ पर से आया है उसके पहले जो नाम है, जो पता है, वह पत्र लिखने वाले का नाम है, पता है। यहाँ पे योगेश नायर लड़के लिखेंगे तो योगेश नायर यह पत्र लिखने वाले का नाम है, और 205 गांधी चौक अमरावती यह पत्र लिखने वाले योगेश नायर का पता है।
लड़कियां लिखेंगी तो योगेश नायर की जगह योगिता नायर लिखेंगी और यह उनका पता है। पत्र लिखने वाले का नाम पता या पत्र लिखने के बाद एकदम अंत में लिखा जाता है। से के बाद और जहां पर को आया है, को से ठीक पहले जो पदनाम आया होगा, पदनाम क्या होता है पोस्ट नेम, जो पदनाम आया है और जो पता आया है वह पत्र पाने वाले का पदनाम है, वह उनका पता है। अब यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पता जो लिखा जाता है, चाहे पाने वाले का हो, चाहे लिखने वाले का हो, चाहे पाने वाले का हो, वह दो पंक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद को के बाद पत्र तक जो बातें लिखी गई हैं उसी में पत्र लिखने का कारण छिपा होता है। तो यह अगर हम प्रश्न ध्यान से पढ़ें तो हमें निश्चित तौर पर पता चल जाता है कि पत्र लिखने वाले का नाम क्या है, उसका पता क्या है, पत्र किसे जिसे लिखा गया उसका पदनाम क्या है, उसका पता क्या है, और विषय क्या है, आखिर पत्र क्यों लिखा गया। तो देखते हैं कि अगर यह प्रश्न हमारी परीक्षा में आता है तो हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिनांक, तो दिनांक हमारा जिस डेट को हम लिख रहे हों, जैसे मान लेते हैं 25/11/2020 डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद ठीक उसी के नीचे हमें प्रति मार्जिन से सटाकर अब यहाँ पे पदनाम हमें लिखना है। अब हम प्रश्न में जाएंगे, अपने मन से पदनाम नहीं लिखेंगे। मैंने कहा से के बाद और को के बीच में पदनाम होगा, तो यहाँ पे जैसा आपको पहले लिखाया भी है, मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि व्यवस्थापक या पदनाम होता जिसे आप दुकानदार कहते हैं, तो प्रति व्यवस्थापक। उसके बाद में उसका पता दो पंक्तियों में, उसका पता उसी के आगे यहाँ से लेकर प्रयागराज 03 तक है, उसी को हम दो पंक्तियों में लिख देंगे तो वही पता रहेगा, अपने मन से पता नहीं लिखना है। हिंदी साहित्य अकादमी शास्त्री नगर इसके बाद आनंद रोड प्रयागराज 03। आनंद रोड प्रयागराज 03 यह पत्र पाने वाले का पता हुआ, दो पंक्तियों में लिखना अनिवार्य है। यह लिखकर हुआ तो हमें एक पंक्ति फिर से छोड़ देनी है, उसी के ठीक नीचे हमें ईमेल आईडी लिखनी है। मैंने इसके पहले भी ईमेल आईडी कैसे लिखना वह बताया है, जैसे यहाँ पे है तो आप जिस दुकानदार को लिख रहे हैं उसकी दुकान के नाम से ईमेल आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में होनी चाहिए और अंग्रेजी के अक्षर होने चाहिए और साथ में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ईमेल आईडी छोटी हो। आप हर एक का पहला लेटर लिख करके भी आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ पहला लेटर ले करके यहाँ पे, जैसे ईमेल आईडी यच मतलब हिंदी, साहित्य के लिए यस, इसके बाद अकादमी के लिए @gmail.com इस तरह से ईमेल आईडी हम बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हिंदी साहित्य अकादमी @gmail.com यह मैंने लिखा। अब इसके बाद में हम विषय लिखेंगे एक पंक्ति छोड़ करके, यहाँ पे विषय अब यहाँ से देखना है, को के बाद से लेकर पत्र तक विषय एक पंक्ति में ही आना चाहिए, यह इसकी शर्त होती है। ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसका हाफ मार्क आपका कट जाएगा
और उसका प्रभाव और भी पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटे में लिखना है, मंगवाई गई पुस्तकों की शिकायत करते हुए पत्र, बस यही हमारा छोटा सा विषय हो जाएगा। या फिर यह भी लिख सकते हैं, फटी पुरानी पुस्तकें भेजने पर पत्र। यह लिखने के बाद आपको इसी के ठीक नीचे संबोधन लिख देना है, मार्जिन से सटाकर, बिना पंक्ति छोड़े, माननीय महोदय, यह हमारा संबोधन हुआ, अभिवादन हुआ। अब ये एक पंक्ति हम छोड़ देंगे यहाँ पर और उसके बाद पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे। पहला पैराग्राफ अपने परिचय से, मेरा नाम, अपना नाम नहीं लिखना होता है, जो प्रश्न में नाम लिखा होता है वही नाम। तो लड़के योगेश नायर लिखेंगे, लड़कियां योगिता नायर लिखेंगी। मेरा नाम योगेश नायर है, कहाँ रहता हूँ फिर वह लिखिए। मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ। यह तो आपने अपना परिचय दे दिया, अब जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे आपका रिलेशन, उसका संबंध क्या है वह भी लिखा जाना है। तो योगेश कौन है, ये ग्राहक है, और बाकी व्यवस्थापक हिंदी साहित्य अकादमी से उसका क्या संबंध है, वो ग्राहक है और वो विक्रेता है, तो वही लिखेंगे। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ, मैंने कई बार आपके पुस्तक भंडार से अपने विद्यालय के लिए पुस्तकें मंगवाई हैं। यह आपने एकदम बराबर से क्या संबंध है आपका, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद आपको एक पंक्ति फिर छोड़ देना, मैंने पंक्ति ये छोड़ दी। अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, पत्र क्यों लिख रहे हैं उसका पूरा विवरण यहाँ पर देना होता है। मैंने दिनांक लगभग एक महीने पहले की तारीख डाली है, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे मैं 25 नवंबर को पत्र लिख रहा हूँ, एक महीने पहले की यहाँ पे डेट डालूंगा मैं। मैंने दिनांक 23/10/2020 को आपके पुस्तक भंडार से अपने विद्यालय के वाचनालय हेतु हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों की कुछ प्रतियां मंगवाई थी, आपने उसे
समय से भेज दिया उसके लिए धन्यवाद। अपने पिछले पत्र में आपको याद होगा कि अपने विद्यालय के वाचनालय के लिए प्रसिद्ध साहित्यकारों की किताबें आपने मंगवाई थी, वह आपको मिल गई हैं, इसलिए आपने धन्यवाद कह दिया। अब आगे उसमें क्या कमी है उसका जिक्र आपको करना है, और जिस किताब में आपने 5 किताबें मंगवाई थी उनमें से जिस किताब में कमी है उसी का उल्लेख करना होता है। आपने जो पुस्तकें भेजी हैं उनमें से कुछ पुस्तकें फटी हैं तथा कुछ पुस्तकें बहुत पुरानी लग रही हैं। गोदान की एक प्रति, गोदान पुस्तक आपने मंगवाई हुई थी, गोदान की एक प्रति, प्रति मतलब कॉपी, एक प्रति के पन्ने, पन्ने मतलब पेज, बीच बीच में फटे हुए हैं तथा मधुशाला की दो प्रतियों में पन्ने के ऊपर पेन से चिन्हित किया गया है। चिन्हित मतलब अंडरलाइन करना, चिन्हित किया गया है। पुस्तकें मंगवाते समय ही मैंने आपसे कहा था कि पुस्तकें जांच परख कर भेजे। कोई भी पुस्तक फटी, पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपने शर्तों की तरफ, यह शर्त थी हमारी, आपने
शर्तों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा जब आप पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे थे, मैं जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें ये बातें आपने लिखी थी कि पुस्तकें जांच परख कर भेजें, कोई भी पुस्तक फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो यह शर्त थी हमारी, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया। अतः मतलब इसलिए आपने आगे लिखा था पुस्तकें मंगवाते समय, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में, नहीं ध्यान है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, तो आपने वहाँ कहा था अगर आपने शर्तों का उल्लंघन किया, मतलब पुस्तकें फटी पुरानी या कम निकली, तो आप वापस कर देंगे, तो वही बात आप लिखने जा रहे हैं। अतः मैं इन फटी पुरानी पुस्तकों फटी पुरानी पुस्तकों को आपके पास को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। आप इन पुस्तकों के बदले सारी पुस्तकें, ध्यान रखिए, नहीं वापस करनी है। आपने यहाँ पे लिखा कि केवल दो पुस्तकों में कमी है, गोदान की एक कॉपी में कमी है, गोदान की एक कॉपी में कमी है और मधुशाला की दो कॉपियों में, दो प्रतियों में कमी है, तो केवल यही तीन पुस्तकें आप भेज रहे हैं वापस, सारी की सारी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वह नियम में नहीं होता है, जिसमें खराबी है वही आप वो करेंगे, तो वही गोदान की एक प्रति और साथ में मधुशाला की दो, कुल तीन पुस्तकें, आप संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इन पुस्तकों को बदल कर इनकी जगह दूसरी पुस्तकें भेजने की कृपा करें, कृपा करें। अब यहाँ पे आपने बातें कह दी कि पुस्तकें मंगाई थी, फटी निकल गई, एक गोदान की रही, एक प्रति एक किताब जिसके पन्ने बीच बीच में फटे हैं, और मधुशाला की दो प्रतियों के पन्नों के ऊपर बीच बीच में पेन से कुछ लिखा गया है, तीन प्रतियां आप कह रहे हैं कि आप इनको वापस भेज रहे हैं और उनको बदल कर आपको दूसरी नई किताबें दें। यह दूसरा पैराग्राफ हुआ मुख्य पैराग्राफ। अब तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं हम लोग। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे आशा करते हैं या उम्मीद करते हैं, वही बात आपको लिखनी होती है। आशा करता हूँ कि आप वापस की गई गोदान की एक प्रति तथा मधुशाला की दो प्रतियों को बदल कर उसकी जगह नई पुस्तकें
शीघ्र से शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे। कृपा करेंगे, यह हमारा तीसरा पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे भवधि मार्जिन से सटाकर ही लिखना होता है, यह ईमेल टाइप पत्र है आप जानते हैं। भवधि, ये भवधि मतलब प्रेषक। अब जिसने पत्र लिखा है उसका नाम, अब आप देखेंगे तो पत्र लिखने वाले का नाम यह है, लड़के लिखेंगे योगेश और पूरा नाम है योगेश नायर। लड़कियों के लिए योगिता नाम है और योगिता नायर उसका पूरा नाम है। उसका पता है 205 गांधी चौक अमरावती, तो वही चीज़ वहाँ पर भी हम लिखने वाले हैं। भवदीय लड़के लिखेंगे योगेश, केवल नाम, उसके बाद पूरा नाम लिखेंगे योगेश नायर, उसके बाद उसका जो पता है यहाँ पे वही पता यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, 205 गांधी चौक अमरावती। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा पता केवल दो पंक्ति में हो, 205 गांधी चौक अमरावती। यहाँ पे फुल स्टॉप डालेंगे, अब क्योंकि पिन कोड नहीं था इसलिए पूर्ण विराम। इसके बाद ईमेल आईडी योगेश के नाम से, yogesh@gmail.com। अगर ऐसा लिखेंगे तो निश्चित है कि आपको अधिकतम मार्क जरूर मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।